नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है खेल चौपाल के इस अंक पर। मैं हूं सत्यवर्धन सिंह और आज जैसा आप सभी जानते हैं, आज हमारे खास मेहमान हैं श्री विकास खत्री जी, जो भारतीय रग्बी टीम के कप्तान हैं। कुछ ही देर में वो हमारे साथ रूबरू होंगे और अपने सभी साथ में जुड़े हुए दर्शकों का मैं स्वागत करते हुए बताना चाहता हूँ कि कमेंट्स के अलावा आपके पास क्वेश्चन मार्क का एक कॉलम होता है, तो अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो, आप भी अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो हमारे आज के खास मेहमान श्री विकास खत्री जी से, तो उस क्वेश्चन वाले मार्क में आप अपना क्वेश्चन दर्ज कर सकते हैं। कुछ ही देर में वो हमारे साथ होंगे। इसके अलावा अन्य अंकों में भी आप किसी अपने फेवरेबल प्लेयर के साथ कोई इंटरव्यू देखना चाहते हो या कोई और खेल जगत से संबंधित कोई विशेष खिलाड़ी हो जिसे आप चाहते हैं कि हम उन्हें अप्रोच करें, तो आप हमें उसे अपने सुझाव के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा और बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए हम जो भी कर सकते हैं उसे भी हमें ज़रूर आप बता सकते हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आप सभी लोग जुड़ने शुरू कर चुके हैं। संदीप सिंह जी, शिवा सैनी जी, विकास खत्री जी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। कुछ ही देर में जस्ट वो आपके साथ लाइव होंगे और हम अपने आज के संग को शुरू करेंगे। ऐसा लगता है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से विकास जी हमारे साथ लाइव नहीं हो पा रहे। जब तक सर हमारे साथ लाइव होते हैं, तब तक अगर आप अपने कुछ प्रश्न या अपने कुछ विचार, कोई मैसेज जो उन तक देना चाहते हो वो जरूर हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? सर जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है खेल चौपाल में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, आपने बहुत की अपना कीमती समय जो है उसमें से कुछ समय हम लोगों के लिए निकाला, तो इस अंक की हम लोग सर शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले सर, हम किसी भी प्लेयर से उसकी जर्नी जानने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं कि आपने कैसे खेल को स्टार्ट किया और कैसे इस मुकाम पे आप पहुंचे। सर, मैं शुरू से ही खेल प्रेमी रहा हूँ, हमेशा हर गेम में इन्वॉल्व रहता था। तो जी रग्बी पहले टीवी पे देखते थे, ब्रॉडकास्ट होता था, तो 2003 का वर्ल्ड कप भी मैंने पूरा फॉलो किया था, तो जी उसको देखते थे, उसको खेलने का बड़ा मन मन होता था। लेकिन उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास फोन नहीं था, गूगल पता नहीं था कहाँ टीम है, इंडिया टीम है या नहीं है, तो कुछ नहीं पता था। फिर धीरे धीरे मेरे पड़ोस के गांव है नांगल गांव, वहां के कुछ लड़के रग्बी खेलते थे दिल्ली जाके, तो जी सर उनके साथ मैं ऐसे ही फ्रेंडली फुटबॉल खेलते थे, तो उनके थ्रू ही मुझे पता लगा कि रग्बी टीम है दिल्ली में और वो जाते हैं खेलने, तो उनके साथ ही मैंने 2009 अगस्त में स्टार्ट किया था जी सर रग्बी खेलना। फिर तो आज आपका उसके ग्यारह बाद से साल का सफर हो गया पूरा रग्बी खेल के साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी सर, तो इतने 11 साल का जो आपका करियर रहा सर, वो कैसा रहा? और एक खिलाड़ी, एक खेल प्रेमी होने के नाते आपने शुरू किया था कि आपको एक खेल पसंद था और आज आप भारतीय टीम के कप्तान हैं, तो इस जर्नी के बारे में सर अगर आप कुछ हाईलाइट करें। मेरा 11 साल का सफर काफी अच्छा रहा है। मैं
भगवान की दया से ऐसी कोई खास इंजरी नहीं हुई जिसकी वजह से मुझे कोई टूर्नामेंट छोड़ना पड़े। मैं लगभग सारे टूर्नामेंट खेला हूँ और 2011 में मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया था जी। जो पहली बार मैं थाईलैंड खेलने गया था जी। तो पहली बार टीम में मतलब एक कोई नेशनल टीम में जाना, उससे पहले कभी कुछ खेले भी नहीं थे, कोई स्टेट भी नहीं खेले थे, तो वहां जाके वो कैंप अटेंड करना, तो वहां का डिसिप्लिन, वहां की टाइमिंग, कैसे सभी सीनियर के साथ रहना, बातचीत करना, तो वो काफी कुछ सीखने को मिला है। और 2017 में मैं कैप्टन बना था और अभी तक कैप्टन हूँ। तो कैप्टन की जर्नी मेरी इतनी अच्छी नहीं रही है, मतलब ज्यादा मैचेस हम जीत नहीं पाए हैं, लेकिन एक जो सर्कल जो बना है मेरा टीम के साथ, एक जो मतलब रिलेशन बना टीम के साथ, वो काफी अच्छा रहा मेरा। और मैं सबके साथ फ्रेंडली रहता हूँ, काफी अच्छा व्यवहार है, काफी अच्छे दोस्त मिले हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है, सारी आधी दुनिया घूम लिया, तो इन 11 सालों ने बहुत कुछ दिया है जी। सर जैसा आपने बताया कि पहली बार आप थाईलैंड खेलने के लिए गए और कोई स्टेट नहीं खेला था, तो पहली बार आप जब कैंप आपने किया तो एक डिसिप्लिन, एक नए तरह के माहौल को महसूस किया और फिर कप्तान बने। तो जैसा अमूमन हर खिलाड़ी बताता है कि जब वो कप्तान बनते हैं तो एक अलग तरह की प्रेशर को उनको झेलना पड़ता है, एक टीम मैनेजमेंट की बात होती है, फिर आप सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के लिए नहीं टीम परफॉर्मेंस के लिए भी जिम्मेदार बनते हैं, तो उन दोनों एक्सपीरियंसेस का कितना डिफरेंशिएशन आता है सर? डिफरेंस काफी है, तो आपको लीड लेके चलना पड़ता है, आपको एक एग्जांपल सेट करके चलना पड़ता है। जब आप कैप्टन होते हो, जब आप एक टीम का हिस्सा होते हो, तो आप एक बैक लाइन पे रहते हो, आप बस अपना काम करते हो, खत्म। लेकिन एज ए लीडर आपको हर चीज में इन्वॉल्व रहने के लिए आपको हर चीज में आगे रहना पड़ता है, मतलब लीड लेनी पड़ती है, चाहे वो फिटनेस हो, कोई स्किल हो, टॉक हो, कुछ भी हो, कोई मीटिंग हो, तो सबसे पहला डिसिप्लिन आदमी आपका लीडर ही देखा जाता है कि वो कितना डिसिप्लिन है। तो ये काफी बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि आपको टाइम पे ट्रेनिंग करना, टाइम पे ग्राउंड पे जाना, सब कुछ आपको हर टाइम ही रहता है कि हाँ सबसे आगे मैं रहूं, सबसे पहले मुझे ये काम करना है। तो कोच ने कुछ भी बोला, टीम मैनेजमेंट ने कुछ भी बोला, तो सबसे पहले मैं सबको बताऊं कि ये करना है, वो करना है, तो जिम्मेदारी काफी बड़ी रहती है जी। ये तो है सर, जैसा आपने कहा कि एक लीडर होने के नाते आपको खुद एग्जांपल सेट करने पड़ते हैं, खुद का टाइमली ट्रेनिंग करना, अपनी फिटनेस लेवल को अचीव करना और साथ में अपनी टीम का भी ख्याल रखना। तो अभी बहुत सारे हमारे साथ खिलाड़ी भी जुड़ते हैं जो सवाल पूछते हैं और अक्सर हम देखते भी हैं कि जब आदमी कप्तान बनता है तो उसकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस पहले की बनिस्पत, पहले की तुलना में थोड़ी बिगड़ती है या थोड़ी बदलती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या एडिशनल ट्रेनिंग के अलावा कुछ और भी आप करते हैं, कोई और टैक्टिक्स अपनाते हैं? ये फर्क तो रहता ही है, क्योंकि जब आप टीम के कैप्टन नहीं होते तो आपको सिर्फ अपने फोकस करना पड़ता है, आप अपनी पोजीशन फोकस रहते हो, ट्रेनिंग हुई बस अपने फोकस। लेकिन एज ए लीडर आपको देखना पड़ता है, अपने साथियों को बताना पड़ता है कि ये करना है, वो करना है, तो उस बीच कहीं ना कहीं आप लैग करते हो आप खुद की ट्रेनिंग से, तो वो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन आप मेंटली काफी स्ट्रोंग हो जाते हो जी। आप फिजिकली थोड़ा ये रहता है कि कम ट्रेनिंग कर पाए या बातों में ज्यादा ध्यान दिया, उसको बताया, उसकी सुनी, ये रहता है, लेकिन मेंटली काफी स्ट्रोंग हो जाते हो, आपको मतलब चीजें आप ऑब्जर्व ज्यादा करने लगते हो, तो उसका भी फर्क पड़ता है, तो आप मतलब एक्सपीरियंस काफी ज्यादा आ जाता है, तो वो एक मिक्सअप हो जाता है। लेकिन जैसे कि आप कैप्टन नहीं हो, एक प्लेयर है, तो वो प्लेयर ज्यादा परफॉर्म करता है अच्छी तरह, प्रेशर थोड़ा कम रहता है, तो प्रेशर आने से थोड़ा बहुत फर्क होता है। बिल्कुल सर। सर आपने शुरुआत में हमें बताया कि ईश्वर की कृपा से आज तक आपको कुछ खासा इंजरी को फेस नहीं करना पड़ा और अब तक आपका फिटनेस अच्छा रहा है खेलों को लेकर के। सर यह एक चैलेंज होता है, जैसा कि हम बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को देखते हैं कि उनके अंदर उनको जब एक इंजरी होती है उसके बाद उनका पूरा का पूरा गेम बदल जाता है, करियर एक नए मोड़ पे चला जाता है।
तो फिटनेस के चैलेंज को आप कैसे करते हैं, और इस लॉकडाउन के दौरान आपने क्या किया, और आप अपनी टीम को फिट रखने के लिए, क्योंकि जैसे अगर हम रग्बी खेल की बात करें तो एक इतना चुस्त दुरुस्त फुर्तीला खेल है, तो फिटनेस के लिए सर क्या आपके पैरामीटर्स होते हैं? अभी एक दो दो साल पहले तो बस यही था कि आपको कैंप से पहले 1 महीना पहले आपको बताते हैं कि भाई कैंप आपका कैंप है, नेशनल कैंप, और आपको आना है। तो ज्यादातर खिलाड़ी उस दौरान अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते थे, बाकी टाइम तो वीक में एक दो बार कर लिया या जिम विम कर लिया। लेकिन अब हमारे कोच है साउथ अफ्रीका के, वो कंटिन्यू हमसे जुड़े रहते हैं, हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो वो फिटनेस प्लान भेजते रहते हैं हर वीक का, हर मंथ का, कि आपको ये करना है। जी तो मेरे ख्याल से हम सभी खिलाड़ी वो सब फॉलो कर रहे हैं, अगर वो 100% नहीं तो 50% कुछ जिम और कुछ ग्राउंड की ट्रेनिंग कंडीशनिंग वो करते रहते हैं। जी तो सर यही है, लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों ने, मैंने देखा हम जैसे कि उनकी वीडियो स्टोरीज इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, तो सभी ने अपने घर पे वर्कआउट स्टार्ट किया। किस जिसके पास वेट वेट था उसने वेट ट्रेनिंग की, जिसके पास नहीं था वो बॉडी वेट से अपना ट्रेनिंग कर रहा था। फिर जैसे ही जी लॉकडाउन में थोड़ा छूट मिली तो सबने अपना रनिंग वनिंग स्टार्ट किया, ग्राउंड वर्क स्टार्ट किया। तो होपफुली आगे ये साल तो हमारा निकल गया, लेकिन अभी नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा शायद सभी हम फिट रहेंगे और काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक ब्रेक मिला था हमें, तो किसी की इंजरी थी उस रिकवर हो गए, और शायद होपफुली सब अच्छा होगा। जी सर अभी हमसे एक खिलाड़ी शिवा सैनी जी ने पूछा कि 2003 में सभी पूरी देश के लोग जो है क्रिकेट का विश्व कप देख रहे थे और आप रग्बी का विश्व कप देख रहे थे, तो ऐसा आपको ये माहौल कहाँ से मिला? ऐसा है सर, मैं सभी गेम को फॉलो करता रहा, मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, मैं अंडर 14 अंडर 16 तक मैं क्रिकेट खेला हूँ। मैं क्रिकेट का काफी बड़ा फैन था, मैं क्रिकेट, फुटबॉल, जी लेकिन रग्बी का उस टाइम पे क्या था कि बहुत कम मैच ब्रॉडकास्ट होते थे, जो टीवी पे आते थे बहुत कम होते थे। जी तो उसी दौरान वो वर्ल्ड कप आया, शायद ESPN या स्टार स्पोर्ट्स पे आता था, जी सर तो उस टाइम पे काफी ये था कि एक कॉन्टेक्ट स्पोर्ट है, काफी बड़े बड़े बंदे थे, हट्टे कट्टे तगड़े, इतने स्पीड वाले, एक अलग गेम को उसको देखने का फिर मजा ही अलग था। तो वो लगभग जी मैंने वो सारा वर्ल्ड कप देखा था। अच्छा सर, तो सर आप जैसे कि आप दिल्ली के पास रहते थे, आपने पता किया कि कैसे खेलते हैं, दिल्ली के लोग खेलने जाते हैं, आपके गांव के लोग जाते थे, तो आज भी हमारे देश में जो खिलाड़ियों की तादाद है रूरल बेल्ट में कहीं ज्यादा है, उनके अंदर भी एक इंस्पिरेशन होती है कि वो बड़े खिलाड़ी बने या वो भी देश के लिए खेलना चाहते हैं, और बड़े बड़े शहरों की भी अगर मैं बात करूँ Tier 2 cities में, तो रग्बी का एसोसिएशन नहीं है, रग्बी खेल नहीं है, तो अगर वैसा कोई खिलाड़ी इसमें इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे वो इंडिया टीम तक पहुंच सकता है? ये सर, ये तो एक चुनौती है अभी, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है काफी। अभी पिछले 3 SGFI में है, स्कूल गेम्स में, अभी दो दो तीन साल से यूनिवर्सिटीज में भी स्टार्ट हुआ है, और जी अभी सर रिसेंटली शायद आपने सुना है हो कि 20 गेम जी, हमारे जो गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी, उसको दिया है स्पोर्ट्स यस कोटा। यस हाँ जी जी, तो उसमें रग्बी भी इन्वॉल्व हुआ है। तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट रग्बी के लिए, और इससे मैं मानता हूँ बहुत डेवलप होने वाला है, क्योंकि पहले ये था कि किसी को फ्यूचर दिखता नहीं था इस गेम में, तो लोग जी बच्चे खेलने कम ही आते थे, जो बस पैशनेट थे इस गेम के लिए वही आते थे। लेकिन अब उनको कुछ ये भी है कि आपको नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, वो सर्टिफिकेट आपके यूनिवर्सिटीज में आ सकते हैं। तो और जी अभी खेलो इंडिया में भी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी है ये, और होपफुली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी ऐड हो जाएगा। तो जी अब प्लेटफॉर्म एक काफी अच्छा बन चुका है, और धीरे धीरे स्कूलों में स्टार्ट होने लगा है, और रग्बी इंडिया जो है वो एक प्रोग्राम वो अपना बना के रखती है, उन्होंने हर स्टेट में एक डेवलपमेंट मैनेजर वो हायर किया है कि डेवलप आपको डेवलप करना है, आपको रग्बी स्कूलों में जाके प्रमोट करना है, तो वो सब वो जी उन चीजों पे काम कर रहे हैं। तो आने वाले 3 साल में काफी अच्छा होने वाला है फ्यूचर रग्बी का। जी सर धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, मैंने भी जब ये खेल देखा तो मुझे खुशी हुई, आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हुआ था, आपने समय दिया था,
और जैसे ही पता चला फिर वो न्यूज भी मैंने देखा कि रग्बी खेल को भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में स्पोर्ट्स कोटे में इंक्लूड कर लिया गया है। तो आपने जैसा बताया कि आने वाले 3-4 सालों में SGFI यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया, और आज अभी प्रधानमंत्री जी फिट इंडिया टॉक का एक सेशन उन्होंने कंडक्ट किया था, तो उसमें वो यो-यो टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, फिटनेस की बात कर रहे हैं। आज एक साल हो गए हैं फिट इंडिया मूवमेंट को, तो देश में सर फिटनेस को लेकर के बहुत दिलचस्पी दिखाई है पूरे देश ने, और मैं देख रहा था कि लगभग 1 करोड़ लोगों ने एक साथ देखा उस प्रधानमंत्री जी के साथ लाइव उस प्रोग्राम को। तो आपने जैसा कहा कि 4 सालों में अच्छा हो जाएगा, एक डेवलपमेंट मैनेजर की हायरिंग भी हुई है रग्बी इंडिया के थ्रू हर स्टेट में, तो सर मेरा कहना है कि आप 4 सालों में अपने देश की परफॉर्मेंस को कहाँ देखते हैं, कि क्या हम किस लेवल पे आज हैं और 4 सालों बाद किस लेवल पे पहुंच सकते हैं? हमारा मेन मकसद है, हमारा जो है वो एशियन गेम्स में है मेडल लाने का, वुमेन्स का भी मेन्स का भी, और हमारे जो कोचेज है उनका भी यही ड्रीम है, उन्होंने भी अपना एक प्लान तैयार किया है। तो रग्बी हमारा जो होता है 15-a-side वो डिवीजन में बटा हुआ है जी एशिया में, तो हम खेलते हैं डिवीजन 2 या डिवीजन 3 में। तो हमारा जी एक ड्रीम है कि हम डिवीजन 1 तक जाएं और जी एशियन गेम्स में हम मेडल लाएं। तो अगले 3-4 साल बड़े ही मतलब महत्वपूर्ण है हमारे लिए, रग्बी के लिए, और होपफुली सब कुछ बेटर होगा। सर, आपने जब 2011 से स्टार्ट किया बतौर खिलाड़ी, तो आपकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या रही, और जब से आप कप्तान बने 2017 से, अभी तो लगभग 8 महीने कोरोना में चले गए, तो इस संक्षिप्त 2 सालों में उसमें क्या बेस्ट अचीवमेंट रहा सर आपका? बेस्ट अचीवमेंट मेरा ओवरऑल, हमने डिवीजन 3 चैंपियनशिप जीती थी मलेशिया में, जिसमें हमने पाकिस्तान को भी हराया था, जी तो वो हमारा मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट्स है। और एक और है जो हमने पाकिस्तान में जाके 2013 या 14 की बात है, हम पाकिस्तान गए जी थे हमारा टूर खेलने के लिए, पाकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान तान के साथ, और शायद जॉर्डन थी उनके साथ। जी जी तो इसमें हमारे 23 players होते हैं 15-a-side में टोटल, तो 23 में से हमारे 9 players आर्मी से थे, इंडियन आर्मी से। जी तो पाकिस्तान जाना था, तो बिल्कुल लास्ट टाइम पे अमृतसर से हम वाघा बॉर्डर पे जा रहे थे, तो जी वहां उनको वीजा नहीं मिला, पाकिस्तान ने उनको वीजा नहीं दिया हमारे 9 players को, और वो सबसे सीनियर और बहुत ही मेन प्लेयर थे आर्मी के। जी तो सर हम 14 14 प्लेयरों के साथ हम गए थे वहां पे, और हमने वहां जाकर पाकिस्तान को हराया था 14 players के साथ। ग्रेट वो मैं मानता हूँ वो हमारे लिए बिगेस्ट, वो पूरे रग्बी हिस्ट्री की शायद मेंस की वो सबसे बड़ी बात वही है कि हम 14 players जाके, जिसमें से हमारा एक प्लेयर इंजर्ड हो गया था और हमने अपने मैनेजर को भी खिलाया था अपनी टीम में। तो हमारे जो फील्ड पे 15 players होते हैं, 15 players भी नहीं थे, सिर्फ 14 players थे, कोई रिजर्व नहीं था, कोई बेंच पे नहीं था, कोई नहीं था, और हमने वहां जाके पाकिस्तान में जाके और पाकिस्तान को हमने हराया था। जी तो वो हमारी ओवरऑल बिगेस्ट अचीवमेंट है। और एज ए जी कैप्टन, अभी रिसेंटली हम सेवन सेवन साइड टूर्नामेंट खेलने गए थे जकार्ता में इंडोनेशिया, जी तो वहाँ हमारी टीम की 5th position थी 12 में से। तो मैं अपनी लाइफ की बेस्ट रग्बी एज ए कैप्टन, टीम जो थी मैं उनके साथ खेल के आया था, तो जी वो टीम और बड़ी मतलब उसमें बड़ा ही तालमेल था अच्छी तरह, बिल्कुल यंग 3-4 players ऐसे थे जो पहली बार इंडिया टीम में खेल रहे थे, कुछ ऐसे थे जो मेरे से भी पुराने थे, तो ऐसा मिक्सअप लेके हम गए थे, और मैं मानता हूँ बहुत अच्छी रग्बी खेल के आए थे। तो एज ए जी कैप्टन मेरे लिए वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफी अच्छा पुराना था। सर, आपके बतौर कप्तान जो अनुभव था उसे जानकर के काफी अच्छा लगा, और जो बतौर खिलाड़ी आपने अनुभव शेयर करा पाकिस्तान का इंसिडेंट, तो सबसे पहले अगर हम किसी भी खेल की बात करें तो दोनों देशों के बीच में एक हमेशा कांटे की टक्कर होती है, चाहे वो किसी भी खेल की हम बात कर लें, कबड्डी, क्रिकेट या रग्बी। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है हमारे सभी दर्शकों के लिए और पूरी दुनिया के लिए, मैं समझता हूँ कि
कि जहां 14-15 लोगों की टीम में एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, आपके टीम मैनेजर को, मैनेजर जनरली सर वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता, नॉन टेक्निकल पर्सन होता है एक तरह से, तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मैं चाहूंगा सर इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं कि जब पहले बाघा बॉर्डर पे वीजा नहीं मिला तो कैसा माहौल बना उस टाइम पे, उस टाइम लोगों को क्या फील हुआ कि हम एक जॉर्डन का भी आपने जिक्र किया कि वहां पे कोई छोटा मोटा आप इवेंट खेलने तो जा नहीं रहे हैं, इतने बड़े प्रोग्राम में आप जा रहे हैं और शुरुआत में ही देश में एंटर करने से पहले ही लोगों को रोक दिया जाता है, तो टीम में उस टाइम क्या चर्चा हुई, कैसा माहौल हुआ और फिर आपने इतना बड़ा प्लान कैसे बनाया, कैसे इंप्लीमेंट किया इन सब चीजों को सर? उस टाइम पे हमारे जो कैप्टन थे वो मेरे ही क्लब के मेरे सीनियर थे, कमलदीप डागर जी दिल्ली से उस टाइम पे वो कैप्टन जी थे। और हमारे जो मैनेजर थे, और मैनेजर थे वो उड़ीसा से थे, उड़ीसा से मानस कुमार जैना, और एक फॉर्मर हमारे जो कैप्टन, उन्होंने बस उसी टूर्नामेंट से पहले ही इंटरनेशनल रग्बी से रिटायरमेंट ली थी, फॉर्मर कैप्टन नासिर हुसैन जो अब सीईओ है इंडिया टीम के, जी इंडिया रग्बी के। तो जी वो भी हमारे साथ थे, और एक न्यूजीलैंड के कोच थे हमारे साथ। तो नासिर हुसैन को तो काफी एक्सपीरियंस था खेलने का, लेकिन वो उन्होंने ना ना कोई कैंप किया था, ना फिटनेस की थी, कुछ नहीं। लेकिन वो इंसान, मतलब मैं उसको एक आइडल मानता हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर, इंडिया में आज तक शायद उससे अच्छा कोई प्लेयर नहीं हुआ। तो वो हमारे साथ ट्रेवल कर रहे थे, तो वो थे और हम थे, 13 प्लेयर हम थे, और एक प्लेयर हमारा पहले गेम में, वो सेकंड गेम में आया, पहले गेम में जो पाकिस्तान के साथ था उसमें जी वो था नहीं, उसके एग्जाम थे, तो वो नेक्स्ट गेम में आने वाला था। तो वही है, वहां पे जाके फिर नासिर हुसैन ने टीम को लीड किया एज ए सीनियर प्लेयर। तो हमारा यही बॉर्डर पे ही हम सभी में ये हो गया कि अब कौन खेलेगा, सारे सीनियर चले गए। हम ज्यादातर सारे प्लेयर लगभग मोस्टली दिल्ली से ही थे, दिल्ली जी हरियाणा से। तो फिर ऐसे ही बातें होने लगी, तो ये था कि भाई चलो कोई नहीं, जो हो गया हो गया, अब हमें ही देखना है, जो कुछ करना है हमें करना है, क्योंकि फील्ड पे तो खेलते ही 15 ही हैं। कोई नहीं, हम अगर भगवान ने चाहा कोई इंजर्ड नहीं हुआ तो वही 15 प्लेयर पूरा गेम खेल सकते हैं, और गेम काफी बड़ा होता है, 80 मिनट्स का गेम होता है और पूरा कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है। तो लेकिन वहां पे फिर जब मैनेजर भी हमारे साथ खड़े हुए, नासिर हुसैन भी हमारे साथ खड़े हुए, तो एक अलग सा माहौल बना, एक अलग जोश आ गया कि बस अब तो खेलना है, आर पार की ताई है, हार जीत कुछ भी हो, हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, पाने के लिए सारा जहां था। जी तो बस वो ही सोच के और बस खेल गए हम, और पूरी टीम जबरदस्त परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छा खेले, हमने काफी अच्छा कैंप किया था, हम सब सुपर फिट थे, और जी बस फिर तो स्कोर पे स्कोर होते गए और हरा दिया बस पाकिस्तान को। सर, आप सभी के जज्बे और आप सभी के जोश को मैं सलाम करता हूं और ये एक बहुत थैंक यू। सम्माननीय बात है हम सभी के लिए और जीवन में फॉलो करने की बात है। आजकल के यूथ और आजकल की जो हम देश में तमाम सारी घटनाएं देखते हैं कि जीवन में जरा सा उतार चढ़ाव क्या होता है, लोग गिव अप कर देते हैं, लोग वहीं पे हार मान लेते हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प बात ये रही कि जब आपने जैसा घटना का जिक्र किया कि वीजा नहीं है तो आपने कहा कि कोई बात नहीं, अब हम हैं, अब 15 लोगों की टीम अभी भी हमारी पूरी है। आपने पॉजिटिव साइड को देखा आपकी पूरी टीम ने और पॉजिटिव बिल्कुल साइड पे ही पूरा फोकस किया और फोकस फिर भी जीतने के लिए किया, लास्ट मोमेंट तक किया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सीख है पूरे देश के लिए और मैं मानता हूँ कि हमारे मीडिया को, हमारे देश के सभी खेल प्रेमियों को इसको हाईलाइट करना चाहिए। क्योंकि सर अगर हम बात करें, जैसे हम 1983 क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं और भी लेजेंडरी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स मोमेंट की बात करते हैं तो हम सभी को अप्रिशिएट करते हैं, बट ये इतनी बड़ी घटना जो है आज भी देश में सभी को नहीं पता, मुझे भी आपके माध्यम से पता चला। और जैसे हम जितना आसानी से बात कर रहे हैं उतना आसान नहीं होता। अगर हम टीम के मैनेजर की बात करें, एक टीम गेम में सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोऑर्डिनेशन करना, आपसी तालमेल। तो मैनेजर आपके साथ तो मैच नहीं खेलते, तो कितना मुश्किल रहा मैं वो जानना चाहता हूँ कि इतना तो सर आसान कभी हो नहीं सकता कि अचानक से कोई जो सूट बूट मुश्किल पहन करके मैनेजर खड़ा रहता है उसको आपने मैदान में बुला लिया। वो मैनेजर
पहले कभी खेलते थे लेकिन काफी एज थे और उन्हें बहुत साल पहले छोड़ चुके थे वो खेलना। तो सबसे मुश्किल उन्हीं के साथ हुई आफ्टर गेम, क्योंकि ये 15-15 साइड जो गेम होता है, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट होता है, इसके बाद आपकी आपको 2 दिन का तो रेस्ट चाहिए चाहिए बॉडी को। आपकी बॉडी 2 दिन तक पेन करती रहती है, बिल्कुल सर और उस इंसान की बॉडी मेरे ख्याल से 1 महीने तक पेन की होगी। तो उनको हमने देखा था रात को भी दर्द से कराते हुए, तो उनकी बॉडी में पेन तो था ही। तो जी ये देखा कि हमने इस इंसान ने उस इंसान ने लेकिन कभी पैर पीछे नहीं किया। जी वो जब फील्ड पे उतरा तो उसे वो बॉल लेके भागा भी, उसने टैकल भी किया, उसने सब कुछ किया, चोट भी खाई, टक्कर भी लगी, सब कुछ किया। तो उनको देख के शायद हमें जोश था कि जब ये इंसान यहाँ खड़ा है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं जीत सकते। तो वही फीलिंग है कि अब हमारे साथ सब कुछ है तो हम जीतेंगे। तो बस यही था कि उनको काफी पेन हुआ होगा, जी पूरे सर, पूरे महीने उनकी बॉडी पेन की होगी, हर और ये कोई रियलिटी है, ये कल्पना हुआ कर था उनके साथ। सकता बिल्कुल है। एक्चुअल में जब हम लोग फिट होने के बावजूद भी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी हैबिचुअल नहीं होती है, तो हमें लगता है तकलीफ बिल्कुल होती है। तो हर कोई ये ऐसी चीज है जिसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है, उस चीज को फील कर सकता है। और जितने आसानी से हम लोग इसको मजाक में कह रहे हैं, उतना आसान नहीं होता उस वक्त पे। नहीं तो नहीं सर नहीं उस टाइम जो सही टीम है वो उनसे कैसे बात करती थी, वो उनको कैसे दिलासा देती थी मैनेजर साहब को अगले मैच खेलने के लिए? बस फिर जीतने के बाद तो आधा दर्द तो वैसे ही दूर हो जाता है कि अब जीत गए बस, अब अगला मैच है वो अगली बार देखेंगे। लेकिन हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन सबको पता था, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, काफी बड़े थे, पहले खेले हुए हैं, पता था, एक्सपीरियंस था, सब साथ में एक अच्छा माहौल बना वहां की। एक जैसे होता है ना कि जब कोई नहीं होता आपके पास फिर आप ही सब कुछ होते हो, तो वो एक छोटा सा जी ग्रुप था, सर, वो उसमें एक ऐसा ऐसी बाउंडिंग हो गई कि हाँ बस हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत ज्यादा ऊपर हो गया था हमारा। जी, मैं समझता हूँ ये कॉन्फिडेंस लेवल शायद पूरे जीवन में रहेगा, क्योंकि ये छोटी सी आपकी बिल्कुल अनसुनी कहानी जो है पूरे तरीके से अद्वितीय है। मेरे लिए भी मेरे थोड़े रोंगटे खड़े हो गए, कि क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, टीम को मैनेज करना, जो कोच होता है वो सबसे पहले घबरा जाता है, लेकिन वो अपने टीम को दिखाता है कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब अच्छा है। बट आपकी मैनेजर साहब की और आपने नासिर हुसैन साहब की बात करी, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, वो फाइटिंग स्पिरिट जो है उसके बारे में। तो सर कितना फर्क पड़ा उस मैच के बाद, जब आप वापस देश आए जीत करके, तो अंदाजा था कि आप लोग जीत सकते हैं, और आप लोगों में आपसी में क्या बात हुई कि हमने कैसे कर लिया इसे और आगे कितना कर सकते हैं, हमारा बेस्ट पोटेंशियल क्या है? देखिए वही था कि सबको कॉन्फिडेंस था, लेकिन कॉन्फिडेंस आप अपना किसी के सामने शो नहीं कर सकते ऐसे, वो दिल लगता है कि इसमें घमंड है, ये वैसा हो गया। सबके अंदर था जज्बा, था वो जीतने का, वो करने का, क्योंकि जो हम सीखे गए थे अगर हम आप वो सब ग्राउंड पे डाल दो तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल को लेके उसको बस फोकस, उस टाइम पे फोकस, कॉन्फिडेंस, वो सब मिलके ऐसा बना कि हम जो हमने सीखा था ट्रेनिंग पे वो सब हमने ग्राउंड पे वो काम कर दिया और उसकी वजह से हम जीत गए। तो सभी यंग थे, सभी को बस यही था कि हम कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते, हम 80 मिनट्स क्यों नहीं खेल सकते। अगर किसी को इंजरी होती है तो बात अलग है, लेकिन हमें बस 15 प्लेयर चाहिए। और कई बार तो ये होता है किसी को येलो कार्ड मिल जाए, रेड कार्ड मिल जाए, तो एक प्लेयर वैसे ही कम होता है, उसके बिना भी खेलते हैं। तो सिचुएशन वही सोच के चले कि एक प्लेयर कम भी हो गया, समझ लेंगे उसको ये रेड कार्ड मिल गया, कोई नहीं, हम 14 से है तो 14 से ही प्लेयर वो खेलते हैं और जीतते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव कोई भी बात कभी दिमाग में आई नहीं। और रग्बी, फिर रग्बी खेल ऐसा कि आप डर नहीं सकते, क्योंकि वो खेल तो है बस टक्कर का। अगर आप फील्ड पे घुस गए तो सामने कोई भी हो आपको तो खेलना ही है, आपको उसको टैकल करना है, उसको हिट मारना है, तो आप डर के पीछे नहीं हट सकते। तो वो एक लड़ाई की तरह होता है, बिल्कुल सर, तो वो मतलब एक बड़ा दिल चाहिए आपको खेलने के लिए। तो वो सब था सबके पास, और वापस आए, एंजॉय किया, खूब बातें की। लेकिन उस टाइम पे शायद सोशल मीडिया का इतना क्रेज नहीं था,
जी रग्बी इंडिया में भी और हम सब के अंदर भी, हम सब के पास भी, इसलिए ये कहानी शायद इतनी फेमस नहीं हो पाई। अगर आज के टाइम पे होती तो शायद बात कुछ और होती। बिल्कुल तो सर, हम अपनी आपने तरफ अभी से। बात है तो जी, मैं 2013 में अभी उस टाइम पे लोग सोशल मीडिया पे आना शुरू हुए थे देश में दौर, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी को हम अधिक से अधिक जितने भी लोगों को पहुंचा सकें उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपकी रग्बी प्रमोटर जो टीम है, जो डेवलपमेंट मैनेजर है, उनको भी ये बताने की जरूरत है सभी को। क्योंकि सर नेगेटिविटी की अगर हम बात करते तो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि रेड कार्ड मिल जाएगा तो क्या होगा, और जैसे आपके मैनेजर साहब खेल रहे थे तो एक टारगेट होता है कि उनका वो वीक पॉइंट है उनके टीम में, वो उनके मैनेजर खेल रहे हैं उधर, कोशिश करो वो एक वीक होल है उनके। तो इन सब चीजों को क्रॉस करके आपने सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर फोकस करा और जीते, इससे बड़ी स्वप्निल चीजें नहीं होती। आज देश में स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बन रही हैं, फिल्म भी बन रही हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसको भी एक इंस्पिरेशन के तौर पर दिखाया जाए आने वाले समय में, ताकि हमारे देश के जो युवा हैं वो भी सीखे और देश की जनता आवाम भी सीखे कि हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए हमें पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना चाहिए, और हम जिंदगी में सारे नेगेटिविटी होने के बावजूद भी जीत सकते हैं। बिल्कुल सर, तो आगे का आपने क्या प्लान रखा हुआ है कि कोविड खत्म होने के बाद आपके पास क्या क्या चुनौतियां हैं, और भारतीय रग्बी टीम के, जैसे आपने कहा कि आपको ग्रुप वन में आना है एशिया में, इसके अलावा और क्या क्या मैचेस हैं, और एशियन गेम्स के अलावा आप ग्रास रूट लेवल पे नेशनल साइड में और इंटर नेशनल, जिसको हम बोलते हैं दो देशों दो पक्षीय खेलों के बारे में अगर आप बात कर सके कि उसकी क्या प्लानिंग है और आप लोगों की क्या तैयारी कर रखी है। अभी तो सब वेट कर रहे हैं कि जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट हो, गवर्नमेंट हमें परमिशन दे ट्रेनिंग करने की, तो सभी के अंदर है, बहुत टाइम हो गया, इतने टाइम तक तो कभी कोई घर पे रहा नहीं बिना ट्रेनिंग के, तो सभी के अंदर जोश होगा कि बस जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट हो, और शायद सबने फिटनेस अपनी स्टार्ट कर दी होगी, फिटनेस करना कि बस कभी भी स्टार्ट हो सकता है और कभी भी सीजन आ सकता है, कभी भी गेम हो सकते हैं। तो यही है नेक्स्ट, अभी इस ईयर तो एशिया रग्बी कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा, तो अभी नेक्स्ट ईयर से है तो देख रहे हैं, शायद हमारा सीनियर नेशनल या गोवा में जो नेशनल गेम्स होने हैं वो हो जाए, और फिर उसके बाद शायद एशिया रग्बी भी अपने टूर्नामेंट स्टार्ट करे। और अभी प्लान यही है कि बस जो कोचेज है हमारे साउथ अफ्रीका से, तो वो भी अपना प्लान तैयार कर रहे हैं, वो कंटिन्यू टच में कब से स्टार्ट है, तो शायद प्री गेम स्टार्ट करे, फिर मेन स्टार्ट हो, और यही है अगला जो टूर्नामेंट है वो शायद पता नहीं हमारा कहाँ पे है और किसके साथ है, तो यही है कि टूर्नामेंट की बार 100% जीतना उसको, उसके जीतने के बाद हम डिवीजन अप करें, अपना अपर डिवीजन में जाए, और सेम सेवंस में सेम गर्ल्स के साथ सेम बॉयज के साथ, और शायद अब अंडर 19 अंडर 17 की टीमों पे भी फोकस करें। और ग्रास रूट से ये है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने जो रग्बी छोड़ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए अपनी के साथ, के साथ शायद उन्हीं को रग्बी बारे में आता है, तो शायद सरकार को भी ये करना चाहिए रग्बी इंडिया के साथ मिलकर कि वो कोचेज अपॉइंट करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे हर स्टेडियम में और गेमों की तरह, तब शायद गेम काफी डेवलप होगा और लोगों को बच्चों को खेलने के लिए मतलब आसानी रहेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में कहीं रग्बी शुरू हो रही है, डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में कहीं भी, तो क्या है कि ग्रास रूट पे तभी स्टार्ट हो सकता है, आपको कोचेज अपॉइंट करने पड़ेंगे, और कोचेज फिर एकेडमी हो या क्लब हो कुछ भी हो, तो वहीं से ही स्टार्ट हो सकता है ग्रास। जी सर, आपको अभी और बाद में भी हमारे बहुत सारे दर्शक देखेंगे जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो फ्यूचर में रग्बी के एक बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं स्पेशली ट्रेनिंग के संदर्भ में, कि वो अगर उनको भविष्य में बड़ा खिलाड़ी बनना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग के संदर्भ में ये कि देखिए, हमारे यहाँ हर इंसान क्रिकेट के रूल जानता है, हर इंसान को बैट पकड़ना आता होगा, हर इंसान को बॉल फेंकनी आती होगी, तो वो देखने से सीखता है,
कभी वो खेला नहीं, लेकिन उसको पता है कि हाँ ऐसे क्रिकेट खेला जाता है। तो गेम देखना बहुत जरूरी है। तो अब यूट्यूब पे मैचेस है बहुत सारे, आप कितने मैच देख सकते हो, तो यूट्यूब पे मैच देखो, इंस्टाग्राम पे कुछ हाईलाइट्स आती रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा गेम देख के सीखें कि इसमें क्या रूल्स है, कैसे खेला जाता है, कौन कौन सी पोजिशन होती है, और उसके साथ अपने आप को फिट रखे, अच्छी डाइट ले, अच्छा रनिंग जिम सब कुछ एक तालमेल के साथ, बस इसके लिए और तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। जी बिल्कुल, अच्छी बात आपने कही सर कि इस दौर में डिजिटलाइजेशन एक हमारे लिए बहुत अच्छा टूल है, और जो फ्यूचर में किसी भी चीज के लिए अगर कुछ इंस्पायर करते हैं, अपने आप को बनते हुए देखना चाहते हैं, तो उसके संदर्भ में अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल कोड किया कि यूट्यूब पे मैचेस देखें, जिससे उनको मैचेस के बारे में रूल्स पता चलेंगे, अच्छे मूव्स पता चलेंगे, तो उससे स्किल बेहतर करने के अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। सर एक आम जनता के लिए, एक खिलाड़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता, आम खिलाड़ी के लिए, तो खिलाड़ी के लिए एक संदेश बहुत जरूरी है कि हमेशा जमीन से जुड़ा रहे, कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, और रिस्पेक्ट अपने टीममेट्स की, अपने जूनियर्स की, अपने सीनियर्स की, अपने ओपोनेंट्स की। रग्बी हमें यही सिखाता है, और कभी गिव अप ना करें, हमेशा खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें, और हर दिन एक चैलेंज की तरह लें, और हर दिन अपने पिछले दिन से अच्छा करने की कोशिश करें, शायद एक अच्छे प्लेयर, अच्छा इंसान बनने के लिए। मेरे ख्याल से यही ठीक है। जी सर, आपने हमसे बेबाकी से अपनी सारी चीजों को, विचारों को हमारे से समक्ष रखा, दर्शकों के सामने रखा, जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके सामने रखा। पाकिस्तान वाली जो इंसिडेंट थी, स्पोर्ट्स लाइफ में और हमारी आम जिंदगी में इतनी महत्वपूर्ण इंसिडेंट के बारे में आपने डिस्कशन किया, साथ में रग्बी इंडिया में अभी कितना पॉपुलर है, और अभी जो रग्बी इंडिया की प्लानिंग्स हैं उसके बारे में भी जिक्र किया, और आखिरी में सर सबसे बड़ी चीज जो आपने एक संदेश दिया कि अगर हमें कुछ बनना है तो जमीन पे रहना जरूरी है और किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। मैं आपको पूरे खेलगांव टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ में आपके इस इंसिडेंट को, 2013 के इंसिडेंट को जितना अधिक से अधिक हो सके हम उसे पॉपुलर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा मानना है सर कि अगर इस इंसिडेंट को सभी को पता चलेगा तो जरूर कुछ न कुछ बेहतर प्रेरणा लेंगे जीवन में बेहतर बनने के लिए। आपको मैं पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, और थैंक यू। पर पुनः किसी और हमारे दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगा कि कुछ अगर पूछना चाहें तो खत्री साहब, भारतीय की रग्बी टीम के कप्तान हमारे साथ हैं, तो वो अपने सवाल हमारे सामने रख सकते हैं। मुझे लगता है किसी के कोई प्रश्न नहीं है, तो सर आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत मैं एक बार आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आने वाले समय में हम आपको चाहते मुझे इस लायक समझा। नहीं सर बिल्कुल, आप देखा जाए तो हम एक मुहिम के तहत आप जैसे बड़े खिलाड़ियों को हम पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में रखना चाहते हैं, ताकि जनता उनसे सीखे, जो हमारे भविष्य के खिलाड़ी हैं वो सीखें। और यकीन मानिए, जैसे आप एक भारतीय टीम के कप्तान हैं, आपने एक इंसिडेंट बताया, इससे कई सारे खिलाड़ियों की लाइफ बदलती है, और हमारे पास अच्छे फीडबैक भी आते हैं कि हमने उनसे यह बात सीखी। और मैं आशा करता हूं कि जो आपने घटना बताया ये आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। मैं पुनः फिर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में रग्बी क्रिकेट की तरह पॉपुलर होगा, हमारे देशवासी, हमारे सभी खिलाड़ी क्रिकेट की तरह उसे प्यार देंगे, और आने वाले समय में हम रग्बी में एशिया में नहीं और बड़े स्तर पे, विश्व स्तर पे हम मेडल जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर।